असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्यों डरे हुए हैं? ओवैसी के डर का कारण क्या है? कौन डरा रहा है ओवैसी को? क्या हैदराबाद का किला हिलने वाला है? कौन है जो ओवैसी का पसीना छुड़ा रहा है? मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। वैसे तो इस बार मतदान से हर कोई चिंतित है, लेकिन इससे हैदराबाद का हिल जाना हैरान करता है। लोकसभा की ऐसी सीट जहां 60% मुस्लिम वोटर हैं, फिर भी 4 बार के सांसद में डर है। कम मतदान से कुछ ऊंच नीच हो जाने का डर, जो बताता है कि हैदराबाद में अब की मुकाबला किस लेवल का है। इस डर को बढ़ाने का काम कर रहा है मुकाबले का तिकोना हो जाना। इस बार IMIM के नेता ओवैसी के सामने सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, कांग्रेस ने भी अपनी मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। ऐसे में बढ़ते मुस्लिम वोटों के बीच कम मतदान कोई बड़ा खेल भी कर सकता है। इसे ओवैसी की पेशानी पर बार बार आते पसीने में पढ़ा जाना चाहिए। हैदराबाद में चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान है। यह सीट AIMIM की गढ़ मानी जाती है। ओवैसी यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनसे पहले उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार चुनाव जीते थे। जाहिर है इस सीट को ओवैसी अपनी मुट्ठी में मानते रहे हैं, लेकिन उनके इस विश्वास को तोड़ने के लिए बीजेपी की माधवी लता अड़ गई हैं। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, फिर भी कुशलता, मेहनत और हाजिर जवाबी से वो भारी पड़ती दिख रही हैं। कांग्रेस ने यहाँ मोहम्मद वली उल्लाह समीर को खड़ा किया है, इससे मुस्लिम वोट बढ़ते दिख रहे हैं। यहाँ बंटवारा ओवैसी के अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। तो क्या वो लगातार 5वीं बार सांसद बनने से चूक सकते हैं? इसका जवाब मत प्रतिशत में खोजा जा सकता है। 1999 में जब उनके पिता ने आखिरी चुनाव लड़ा था तो 69.2% वोट पड़े थे, लेकिन 2019 में हैदराबाद में सिर्फ 44.8% ही वोट पड़े। अगर कोई मुस्लिम वोट बांटने वाला होता तो 2019 में ही गुल खिल सकता था, क्योंकि बीजेपी यहाँ 5 चुनावों से लगातार दूसरे नंबर पर रहती रही है। 2014 में बीजेपी के भगवंत राव को यहाँ 32.1% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 26.8% वोट मिले। कहना ही होगा कि हैदराबाद के मतदाता 2 खेमे में ऊपर से नीचे तक बटे हुए हैं। तेलंगाना विधानसभा की 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 8-20% तक है, इसलिए विधानसभा में कांग्रेस इस मुस्लिम वोट बैंक पर बुरी तरह निर्भर रहती है। लिहाजा हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी वो नहीं देती। इस हैदराबाद के पुराने इलाके में कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा दूसरा है। कांग्रेस के मोहम्मद वली उल्लाह समीर पूरी शिद्दत से मुकाबले में है, इसलिए हैदराबाद में अब की मुस्लिम वोटों का बंटना तय है। और अगर यहाँ मतदान पिछली बार की तरह ही 50% से नीचे ही रहा तो हैदराबाद में ओवैसी का किला हिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीओ न्यूज़।